अभी तक भी मुझे ना वो अंदर नहीं घुसा है कि अभी कल से शूट है ही नहीं. आई बीन वर्किंग लाइक अ मशीन. आई फेल्ट लाइक थैंक यू. ये हमारा 1.5 साल बहुत अच्छा रहा और हम सब बहुत अच्छे से रहे. बहुत मजा आया और ये मेरा सबसे फेवरेट टारगेट रहेगा और आप सबका भी. हमें लगे तो अभी फाइनली माय लास्ट लुक ऑफ नागिन. तो लास्ट टाइम मैं नागिन कॉस्ट्यूम पहन रही हूँ. क्या बोल रही है? गाड़ी का सामान खाली कर. गाड़ी का सामान खाली करने का वक्त आ गया है. आई कांट बिलीव. आई थिंक ना अभी तक भी मुझे ना वो अंदर नहीं घुसा है कि अभी कल से शूट है ही नहीं. अनएक्सेप्टेबल कंडीशन. ये मतलब इट वाज लाइक फॉर सो लॉन्ग आई हैव जस्ट बीन शूटिंग फॉर दिस शो एंड आई कांट बिलीव नाउ व्हेन आई टेक ऑफ द मेकअप. और जब मैं अभी कॉस्ट्यूम निकालती हूँ, दिस इज द लास्ट टाइम मैं मेकअप निकालने वाली हूँ, कॉस्ट्यूम निकालने वाली नागिन वाला. और शायद इस वैनिटी मेरा लास्ट टाइम है. फिर से ये वैनिटी आएगी नहीं आएगी पता नहीं कभी. सो दिस इज प्रीटी इमोशनल. सो आई हैव टेकन माय मेकअप ऑफ एंड आई थिंक नहीं सॉरी मेकअप ऑफ नहीं किया है, मतलब चेंज कर लिया है मैंने. मैं अपना मेकअप निकाल रही हूँ. सो मैं बस आप सबको बहुत 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 बड़ा थैंक यू बोलना चाहूंगी फॉर मेकिंग द नागिन सच अ ह्यूज 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 हिट. आई लव द फैक्ट कि यू नो दिस शो वाज दिस सीजन वाज अप्रिशिएटेड द वे इट वाज अप्रिशिएटेड. एंड एट द सेम टाइम आई थैंक यू कि आपने इस शो में इतने मेरे बदलते किरदारों में हर एक किरदार को उतने ही प्यार से अपनाया. अभी मैं आपको कितना भी थैंक यू बोलूँ उतना कम ही है. आई एम गोइंग टू मिस शूटिंग फॉर नागिन ऑफकोर्स. ये एक आदत सी हो गई थी मुझे पिछले 1.5 साल से. विशाल मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही है मैम. तू क्या कर रहा है? तू देख ही नहीं रही तेरी शक्ल. मैं थोड़ी भूत जैसी लग रही हूँ पर विशाल के लिए मैं अभी भी सुंदर हूँ. सो दैट्स रियली स्वीट ऑफ विशाल. आई नो ही इज अ स्वीट टू. झूठ बोलो बार बार झूठ बोलो. तो ये है विशाल पर इसका नाम विशाल नहीं है, इसका नाम है विशाल. बी से बोलते हैं करेक्ट. तेरा नाम क्या है? विशाल. विशाल इसका नाम है. 20 साल. तो विशाल वो है जो सेट पे मेरा ध्यान रखता है. जैसे कि अगर कॉस्ट्यूम के डिपार्टमेंट में, जैसे हमारे नागिन के कॉस्ट्यूम हील्स और बहुत सारी चीज़ें बहुत हैवी होती है, हमारा जो क्रोमा का कपड़ा होता है वो बहुत मैनेजेबल नहीं होता है. तो ये सारी चीज़ें सेट पे हर दूसरे सेकंड पे मैं चिल्लाती रहती हूँ विशाल विशाल विशाल. तो ये है वो लड़का, बहुत स्वीट लड़का है विशाल. वेरी स्वीट गाय. बहुत मेहनत करना ऐसे ही आगे बढ़ना. ठीक है जल्दी मिलेंगे बाय. हाँ सो आई फील लाइक ऑलमोस्ट 2 सालों से मुझे बहुत एक आई बीन वर्किंग लाइक अ मशीन. आई फेल्ट लाइक विद नो ब्रेक नो वेकेशन. पहले बिग बॉस हैपेंड विच वॉज लाइक आई वॉज इन द हाउस फॉर 4 मंथ्स. उसके जैसे ही मैं बाहर निकली नागिन हैपेंड. और नागिन जो एक्चुअली 6 महीने का शो था इट वेंट ऑन फॉर लाइक अ ईयर एंड अ हाफ विच आई एम सो थैंकफुल क्योंकि आप सबके प्यार के बिना ये शो इतना लंबा चलता ही नहीं. तो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ दैट. अरे बस कर रुलाएगा क्या? अब अचानक से इतना सडन ब्रेक आने वाला है मेरी लाइफ में. आई डोंट नो आई एम क्लूलेस कि मैं आगे जाके क्या करने वाली हूँ. बट आई एम एट द सेम टाइम वेरी एक्साइटेड क्योंकि अब मैं कुछ अलग करूंगी और ना कि वो जो मैं पिछले 1.5 साल से कर रही हूँ. एंड आई एम श्योर कि आप सब भी बहुत एक्साइटेड हैं और यू नो जानने के लिए कि मैं अभी आगे जाके क्या करूंगी, क्या नई चीज उठाऊंगी, क्या काम लूंगी. उससे पहले आई रियली फील लाइक आई नीड अ ब्रेक, आई नीड अ वेकेशन.
आई एम गोइंग टू टेक दैट, आई एम गोइंग टू बी वेल रेस्टेड बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर रिटेंशन जिसके वजह से मैंने अपना वेट भी पुट ऑन किया है एंड ऑल ऑफ दैट. आई एम गोइंग टू ऑब्वियसली स्टार्ट वर्किंग आउट, टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एंड प्रोफेशनली. आई हैव बीन वेरी वेरी फोकस्ड लेटली, बट एट द सेम टाइम आई थिंक नाउ आई एम गोइंग टू फोकस अ लॉट ऑन माई पर्सनल लाइफ ऑल्सो, माई फैमिली, माई रिलेशनशिप, माई फ्रेंड्स. आई फील लाइक बहुत टाइम से आई रियली डिजर्व द मी टाइम एंड इट जस्ट वॉजंट हैपनिंग एंड फाइनली इट इज. सो आई थिंक सो आई फील लाइक जो भी होता है अपने वक्त में होता है और अच्छे के लिए ही होता है. एंड आई एम ऑलवेज सेड अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है. एट द सेम टाइम आई एम वेरी एक्साइटेड एंड फॉर्चुनेट, पता नहीं क्या कैसे, बट माइन एंड करंट शो इज गोइंग ऑफ एयर एट द सेम टाइम. तो मतलब हार्डली कुछ दिनों का डिफरेंस में हम दोनों एक साथ फ्री है. तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें साथ करने का मौका मिलेगा, बहुत सारे ब्लॉग्स आपको देखने के मौका मिलेगा. आई एम रियली एक्साइटेड. बहुत बार एक शो ख़त्म होता है तो मैं इमोशनल होती हूँ, बट फॉर सम रीज़न आई एम नॉट फीलिंग इमोशनल व्हेन नाउ दैट नागिन इज़ गेटिंग ओवर, क्योंकि मुझे लगता है कि आई एम वेरी कंटेंट एंड वेरी सेटिस्फाइड विद द अमाउंट ऑफ टाइम आई गॉट टू स्पेंड ऑन अ शो लाइक दिस. सो अगेन आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा बातें कर ली, बट थैंक यू ऑल फॉर ऑल ऑफ द लव. आज अगर ये शो इतने अच्छे से चला है तो इट्स ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ आप सबके प्यार की वजह से. ऑब्वियसली अ बिग 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 थैंक यू टू एकता कपूर मैम फॉर दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी. थैंक यू Viacom, थैंक यू कलर्स, थैंक यू बालाजी टेलीफिल्म्स, थैंक यू टू द एंटायर crew of Nagin season 6, all of the people behind the camera. Thank you to all of my co-actors. Thank you to all of the entire team. Thank you. God bless you all. Take care. Bye.